राजस्थान में हो रही सियासी हलचल के बीच प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि बीजेपी लोकतंत्र का चीरहरण कर रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है और इस प्रयास से राजस्थान भी अछूता नहीं है। पांडे ने राज्यसभा चुनाव को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास एक और कांग्रेस के पास दो सीटों के लिए संख्या बल था, तो फिर राज्यसभा के लिए बीजेपी की ओर से चौथा उम्मीदवार क्यों उतारा गया? यही कारण है कि कांग्रेस विधायकों को एकांतवास में रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास 125 विधायकों का समर्थन है, होटल में 118 विधायक मौजूद हैं। रमेश मीणा के बाड़ेबंदी में नहीं आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे अपने व्यक्तिगत कारण से नहीं आ रहे हैं। जिस स्थान में सभी विधायकों का कांग्रेस विधायक दल का इस प्रकार से एकत्रित होकर और इसके पीछे की भूमिका आप सभी जानते हैं कि किन सरकमस्टांसेस में, किन परिस्थितियों में सब लोगों को इकट्ठा करना पड़ा, क्योंकि आज दुर्भाग्य की बात है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी द्वारा जिस प्रकार से लोकतंत्र का, हमारे पहले भी हमारे सहकारी बोल चुके हैं कि जिस प्रकार से चीरहरण हो रहा है और बिना किसी खौफ, बिना किसी शर्म, बिना किसी लिहाज के जो चुनकर आई हुई सरकारें हैं उन सरकारों को अस्थिर करने का जो प्रयत्न हो रहा है उससे राजस्थान अछूता नहीं रहा। और जिस प्रकार की गतिविधियां इन राज्यसभा चुनाव को लेकर शुरू हुई थी और जग जाहिर है कि जहां पर संख्या बल के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एक सीट मिलना जाहिर था और कांग्रेस को इन तीन में से दो सीटों पर संख्या बल के आधार पर विजय मिलनी है, इन परिस्थितियों के, इन वास्तविकताओं के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर अपना चौथा कैंडिडेट, एक कैंडिडेट की जगह दूसरा कैंडिडेट यहां पर सामने लाया। उनका ये प्रयत्न, उनकी ये साजिश राजस्थान में सफल ना हो पाए, इसीलिए सभी विधायकों के से चर्चा विमर्श कर उनकी सहमति से, अधिकांश सब सहमत इस चीज के लिए थे कि हमको अपने क्षेत्रों से कहीं सुरक्षित हम रहें ताकि हमको रोज रोज का इस प्रकार की परेशानी ना उठाना पड़े। और इन सभी उनके सुझावों को मद्देनजर रखते हुए ये निर्णय लिया गया कि सब एकत्र होकर और यहाँ पर कुछ बौद्धिक और कुछ विचार मंथन करते हुए हम चुनाव तक सब एकत्र रहें। और उसी के तहत मुझे खुशी है कि पिछले चार दिनों से सभी विधायकों के साथ हम सब एक परिवार के रूप में सुबह से शाम तक की गतिविधियों और समय का पूरा सदुपयोग करते हुए कोरोना कोविड की इस महामारी से निजात पाने के लिए उनके क्षेत्रों में, प्रदेश में उनके विकास कार्य संबंधित और साथ ही साथ आने वाले दिनों में राज्य के विकास के लिए हमारी रूपरेखा, हमारा रोड मैप, हमारा प्लान क्या होना चाहिए, इस विषयों पर सतत विचार व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से, ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से और किया जाए।